हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक नए लेसन के साथ। आज हम लोग सीखेंगे, पहले भी मैं तुमसे मिला एनिमल मूवी का सॉन्ग, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सॉन्ग पियानो पे प्ले करना सिखाया था। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं इसका फिंगर स्टाइल गिटार वर्जन लेकर आऊँगा, तो आज वो लेसन लेकर आ चुका हूँ। हमेशा की तरह सारे टैब्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते रहेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ सिखाऊंगा भी। आप टैब्स को देखकर और मेरे हाथों को देखकर इस सॉन्ग को इजीली प्ले करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो सबसे पहले लाइन आपको बजानी है, वो आपको बजानी है, वो होगी ई डी सी डी ई, ई डी सी डी ई। ठीक है, ई होगा हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, डी होगा हमारा सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, सी होगा सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, एंड वापस डी एंड वापस ई, ई डी सी डी ई। ठीक है, अब इसके अंदर बेस नोट ई डी सी डी ई। जैसे आप फर्स्ट वाले ई पर जाएंगे तो आपको इसके साथ फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन बजानी पड़ेगी, ये इस तरह से ई डी सी डी ई। ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है, इसके बाद सेम लाइन रिपीट होगी ई डी सी डी ई, बस में डी ऐड हो जाएगा, ई डी सी डी ई डी। ठीक है, ई डी सी डी ई डी, ई हमें डी सी सब हमें पता है, ई फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, डी सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, सी सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट। तो क्या बजाना आपको, तो क्या बजाना है हमें, ई डी सी डी ई डी, डी पे रुकना है। जैसे आप इसके अंदर ई बजाएंगे, ये फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन वाला ई, लास्ट वाला जो ई हमारा डी से पहले जो लास्ट में ई आ रहा है, तो इसमें आपको बजाना है सिक्स स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट के साथ बजाना है, ऐसे आपको इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फिर से देख लीजिए, ई डी सी डी ई डी। ठीक है, इसके बाद सेम लाइन रिपीट होगी ई डी सी डी ई डी। सेम लाइन रिपीट होने के बाद अब जब वापस आपको जो ये लास्ट वाला ई होगा हमारा जो डी से पहले था सेकंड लाइन की तरह, इसमें इस बार आपको फोर्थ स्ट्रिंग ओपन बजानी पड़ेगी, ये इस तरह से ई डी सी डी ई डी, ई डी सी डी ई डी। ठीक है, इसके बाद आपको बजाना है ई डी सी बी बी, ई डी सी बी बी। क्या बजाना है इसके बाद आपको, ई डी सी बी बी। और जैसे आप लास्ट वाला बी बी बजाएंगे, लास्ट वाला बी, तो इसके साथ आपको सिक्स स्ट्रिंग ओपन बजानी पड़ेगी, इस तरह से, कैसे, इस तरह से। तो ये चारों लाइन मिलाकर इस तरह से बजेंगी, मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूं। ये पार्ट पूरा रिपीट होगा इसके बाद। अब इसके बाद लाइन आती है पागल पागल हैं थोड़े, तो वो लाइन कैसे प्ले करेंगे हम लोग। अब आपको एफ कॉर्ड पकड़ना है, इस तरह से आपको सी लेना है, ए लेना है, इस बार आपको ए लेना है आपको थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, और एफ लेना है आपको फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, ये वाला एफ। ठीक है, ये रहा, तो आपको बजाना है इसके बाद आपको सी 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 ए जी ए। ठीक है, बेस नोट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो जैसे आप फर्स्ट वाला सी बजाएंगे, इसके साथ आपको ये वाला एफ फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट एफ बजाना पड़ेगा, इस तरह से सी 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 ए जी ए। ठीक है, सेम लाइन रिपीट होगी, लेकिन इस बार फर्स्ट वाले सी के साथ फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन आने वाला है, इस तरह से रिपीट होगी लाइन। इसके बाद जो लाइन आपको प्ले करनी है, वो प्ले करनी है आपको सी 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 ए जी ई डी। ठीक है, सी मैं आपको बता दूं सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, ए थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, जी थर्ड स्ट्रिंग ओपन बजेगा जी। ठीक है, तो लास्ट लाइन जो मैंने आपको बताई थर्ड, वो क्या थी हमारी सी 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 ए जी ई डी, ई फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, डी सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। ठीक है, तो जैसे आप डी पे आएंगे, तो आपको डी के साथ आपको ये सिक्स स्ट्रिंग ओपन बजानी पड़ेगी ऐसे। तो ये लाइन तीनों मिलाकर कैसे बजेंगे देख लेते हैं हम लोग एक बार। Thank you.
अब इसके बाद चेक ऐड करना सीखेंगे हम लोग इसके अंदर। फर्स्ट लाइन के अंदर चेक कैसे ऐड करेंगे देख लीजिए आप लोग, यानी कि ई डी सी डी ई चेक, और ई के साथ क्या बजेगा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन के साथ, ई के साथ फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन बजेगी जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में प्ले करना सीखा था। चक ई के बाद पड़ेगा कैसे, ई डी सी डी ई चक, सेकंड लाइन ई डी सी डी ई डी चक, सेकंड लाइन कैसे ई डी सी डी ई डी चक, डी के बाद चक पड़ेगी ठीक है। थर्ड लाइन ई डी सी डी ई डी चक ठीक है। इसके बाद सेम लाइन है, बस मैं आपको चक ऐड करना बता रहा हूँ, जैसे कि पहले हम लोग सीख चुके सारी लाइंस को, तो बस मैं आपको चक ऐड करना बताऊँ चक कहाँ का ऐड होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो थी हमारी ई डी सी बी बी, ये थी हाँ ठीक हुई, ई डी सी बी बी ई डी सी बी बी चक, लास्ट वाली बी के बाद चक। तो ये लाइन पूरी मिलाकर कैसे हुई देख लीजिए, पागल पागल हैं थोड़े जो लाइन आती है उसमें वही हम कॉर्ड्स पकड़ेंगे, एफ कॉर्ड पहले सी ए और एफ हम इसमें नोट पकड़े और इस तरह से बजाएंगे। इस बार आपको सी पे जब आप ये फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट जब आप बजाएंगे तो चक भी करना है स्ट्रोक भी देना है, इस तरह से चक माननी है, यानी सी सी के बाद चक है देख लीजिए, सी सी चक सी सी ए जी ए वापस सी 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 ए जी ए, लेकिन सी के बाद जो चक पड़ने वाली है इस बार सी के साथ फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन आएगा इस तरह से, रिपीट चेंजेस के साथ उसी तरह से बजेगी सी 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 ए जी ई डी, जैसे डी पे आएंगे तो सिक्स स्ट्रिंग ओपन। प्ले करके बताता हूँ आपको, ये थर्ड लाइन देख लीजिए, लास्ट में चक ऐड करनी इसके साथ ऐसे। ये पूरा पार्ट एक बार मैं आपको प्ले करके बता देता हूं, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही, आप इस लेसन को बार बार देख लीजिए, ये बहुत इजी लेसन है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखा भी दिया है, बहुत सिंपल करके बताया मैंने आपको। आप इसके अंदर इस सॉन्ग को कैपो लगा के फर्स्ट फ्रेट पर कैपो लगाएंगे तो ये ओरिजिनल स्केल से बजेगा, मेरे पास अभी कैपो नहीं था इसलिए मैं इसको आपको बिना कैपो के सिखा रहा हूँ। जब आप फर्स्ट फ्रेट पर कैपो लगा देंगे तो ये ए शार्प माइनर पर आ जाएगा, मैंने इसको ए माइनर पर सिखाया जो कि एक आसान तरीका होता है सिखाने का, कैपो नहीं था इसलिए मुझे सिखाना पड़ा। आप कैपो फर्स्ट फ्रेट पर लगाइए और इसको सेम बजाइए, सेम प्ले करना पड़ेगा तो ये ओरिजिनल स्केल में बज जाएगा ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।